मनम आचमन करिएगा, बाएं हाथ से सीधे हाथ में तीन बार जल लेकर के ग्रहण करिएगा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एक आचमन जल बोले ऋषिकेशाय गोविंदाय हस्तौ प्रक्षालनम्। एक आचमनी जल रखिएगा हाथ में। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु प्रश्नसिह सुतलम छंदः कुरु देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। एक आचमनी जल पुनः छोड़ देवे, एक पुष्प में गंधाक्षत लगा करके पृथ्वी के समक्ष आसन के समक्ष छोड़ दीजिएगा। ओम पृथ्वी दया दत्ता लोका देवी तुम विष्णुनादरा तुम च धारय माम देवी पवित्रम गुरु जागरणम उपरांतरगतेन पवित्री धारणम। अपने सीधे हाथ के नाम का उंगली में अंगूठी धारण करें, अंगूठी ना हो तो दूबा की अंगूठी बना करके पहन ले। ओम पवित्र पुरुष वर्ग अपनी शिखा से स्पर्श कीजिएगा, माताएं सभी हाथ जोड़ लें। ओम मानसो के तनये मानो कि मानो गो गुमान गुरु मानो वीरा द्रोहामिनो वधीर हवक मंदा सदमहे हस्तो प्रक्षारणम। एक आचमन जल लेकर के हाथ धो लीजिएगा। रक्षा सूत्र बंधनम ओम येन वद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं गृह्णामि रक्षे माचल माचल यजमान भाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात। ओम सुचक्षा अहम अक्षीभ्याम भूया सकुं सुवर्चा मुखेन सुसुत्रणाभ्याम भूया शम्मा। ओम श्री चते लक्ष्मी च पत्न्यान वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राण रूपमशिनो व्याप्तम मा शन्यकाण मुम्मय काण सर्वलोकमय काण। अक्षत पुष्प ले लीजिएगा हाथ में, स्वस्ति वाचन मंगल मंत्रों को श्रवण करिएगा। हरि ओम माय ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्यावाह स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारचो हरिप्रणेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातो बृहदस्वामरुतः। मैं कहा बदलाव बस काम बढ़ गया, बिल्कुल बदल गया, थोड़ा मोटा लग रहा है। डबल चल अग्नि जुबा मन वह सूर्य चक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्यं भद्रं कर्णेभिः श्रद्धुराम देवः भद्रं पश्येमा जव्रयाजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुभा पुंसस्तनो भर्भसे महि देवहितं जरायोः पतमिन्द सरदो हन्ति देवा जग्रान्न चक्रा जर सन्तनो नाम मा पुरासो सुशान्तो अभिघ्नमस्तो श्रीमन्मह गणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ा दीजिएगा, अपने बाएं हाथ में अक्षत लीजिएगा, सीधे हाथ से दो दो अक्षत। हम जिन जिन देवी देवताओं का नाम लें उन्हें प्रणाम करते हुए आप गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित करते जाएंगे। ओम श्रीमन्मह गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम
सरस्वती पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पर्वतेभ्यो नमः। ओम महर्षि यागवल्गऋषिभ्यो नमः। ओम परमेश्वरि गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय एतत् कर्म प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुरक्षिताय सवाहिनाय सांब सदाशिवाय श्रीमन्मह गणाधिपतये नमो नमः। करके सब चढ़ा दीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ करके गंगल पते नमः मंत्र का स्मरण करें। ओम सोमगश्चै गदंतश्च कपिलो गणगणकः लंबोदरश्च विप्रो विघ्ननाथो विनायकः ओम नकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यापटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मदाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते चैकृभस्मरामे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीधियोभूते ध्रुवागीतमधर्म अनन्याश्चन्द्रयन्तो मा ये जनापयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहं युगते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरसमतमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वे प्रारम्भकार्येषु त्रयस्ति यो भुवनेश्वरा देवादिशन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेश्वर जनार्दन विश्वेशं माधवं द्रुण्यं दण्डपाणिं भैरवं वन्दे काशीमहागङ्गा भवानी मणिकर्णिका भक्तदण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा विनायकं कुरु मान ब्रह्म विष्णुहरेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये तीक्ष्णदर्श महाकाय कल्पान्त दहनो भव भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञां दातुमर्हसि अञ्जनी गर्भ सम्भूतं कपिन्द्रो सजवत्तमं राम प्रियं नमस्तुभ्यं हनुमत रक्ष सर्वदा श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्प, संकल्प लीजिएगा हाथ में अक्षत पुष्प द्रव्य दक्षिणा ओल सुपारी तीन आचमनी जल सीधे हाथ में रखिएगा। एक बार ओम, तीन बार विष्णु 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 भगवान नाम उच्चारण करेंगे। ओम तत्र विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य तस्श्री ब्राह्मणोन्नीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराहे कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतो ब्रह्मवर्तैकदेशे छत्तीसगढ़प्रदेशे राजनन्दगाँव नाम्नि नगरे हे श्रीमन् नृपति वीर विक्रमादित्य समयः द्विसहस्रोपरि एकाशीति संख्या परिमिते प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पिंगलनाम संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने वर्षारतौ
श्रावण मासे है शुभे ही कृष्णे पक्ष अद्य त्रयोदशम्याम उपरांते चतुर्दशम्याम सोमपुण्य तिथो शुक्रवासरे आद्रा उपरांते पुनर्वसु नामनी नक्षत्रे हर्षण उपरांतर्गतेन वज्र नामनी योगे भज उपरांते विष्टि नामने करणे है मिथुन राशि स्थिते श्री चंद्रे कर्क राशि स्थिते श्री सूर्ये वृष राशि स्थिते देव गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा नाम राशि स्थान स्थितेषु सदसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण प्रतिष्ठायां सोपन्न तथौ यजमानश्च गोत्रः। सभी यजमान अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने नाम का उच्चारण करिएगा। नामोच्चार सपत्नीकस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सबान्धवस्य। सभी लोग कहिएगा मम आत्मनः स्मृति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त पुण्य पुण्य फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम मम मम ऐश्वर्यादि ऐश्वर्यादि प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम सकल सकल मन मन ईप्सत ईप्सित कामना कामना संसिद्ध्यर्थम संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां सभायां राजद्वारे द्वारे वा सर्वत्र सर्वत्र यशो यशो विजय विजय लाभादि लाभादि प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम समस्त समस्त भय भय व्याधि जरा जरा पीड़ा पीड़ा मृत्यु मृत्यु परिहार परिहार द्वारा द्वारा आयु आयु आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अभिवृद्ध्यर्थम तथा च मम मम जन्म राशि सकाशाद्धि सकाशाद्धि केचिद् केचिद् विरुद्ध विरुद्ध चतुर्थ चतुर्थ अष्टम अष्टम द्वादश द्वादश स्थान स्थान स्थित स्थित क्रूर क्रूर ग्रहास्तैः ग्रहास्तैः सूचितम सूचितम सूचस्य सूचस्य मानञ्च मानञ्च यत् यत् सर्वारिष्ट सर्वारिष्ट तद्विनाश तद्विनाश द्वारा द्वारा तृतीय तृतीय एकादश एकादश स्थान स्थान पच्छुव पच्छुव फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम पुत्र पुत्र पौत्रादि पौत्रादि संततिर संततिर विच्छिन्नम विच्छिन्नम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम आदित्यादि इत्यादि नवग्रह नवग्रह अनुकूलता अनुकूलता सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम इन्द्रादि इन्द्रादि दश दिगपाल दश दिगपाल प्रसन्नता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिदैविक आदिभौतिक आदिभौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक त्रिविध त्रिविध तापोप तापोप शमनार्थम शमनार्थम धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम काम मोक्ष मोक्ष फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम यथा ज्ञानम ज्ञानम यथा यथा मिलितोप मिलितोप चार चार द्रव्यैः पार्थवेश्वर पार्थवेश्वर रुद्र देवता देवता पूजनम पूजनम अभिषेकम अभिषेकम कर्महम कर्महम करिष्ये। छोड़ दीजिएगा गणेश जी महाराज के चरणों में, एक आचमनी जल रख दीजिएगा सीधे हाथ में। तरंगत्वेन शङ्खार्चनं घण्टार्चनं दीपार्चनं च गणपत्यादि देवतानां पूजनं च करिष्ये। कर्म कलश पात्र पूजनं अक्षत पुष्प लीजिएगा हाथ में। आपके पास में जो कलश पात्र रखा हुआ है वरुण भगवान का ध्यान करें, उस जल में सभी चीजों का ध्यान आवाहन करें। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा सहचरेण जमानो हरिभिः हेणमानो वरुणेह बोधरसको आठ बार बंबरणाय नमः मंत्र का उच्चारण करिएगा। ओम बंबरणाय नमः 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 बंबरणाय नमो नमः। पूजन सामग्रीं संप्रोक्षणम् उसी कलश के जल से अप
अपनी पूजन सामग्री को पवित्र करें। ओम आपो श्यामयो होतान होजेन धातनम प्रणाय चक्षवे उपता उपतम उपरांतरगतेन भूतापसरणम मा क्या बाकी जो डर्मेटोलॉजिस्ट सोते हैं आपके साथ वो रिव्यू करते हैं केसेस किराया में 40+ एमबी डर्मेटोलॉजिस्ट पूजा कर्म समारभे देव आयांतो जातु धाना पायांतो यजनम रक्षस्व पृथ्वी पूजनम अक्षत पुष्प लेकर के पृथ्वी का पूजन कर दीजिएगा। ओम पृथ्वी प्रजाता लोका देवी तुम स्नान तथा पंचधारा माम देवी पवित्रम गुरुजाकरम नमः आधार शक्ति नमः भूमि नमः वसुंधराय नमः सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षरोष्पाणम समर्पयामि। दोनों हाथों से पृथ्वी मैया को स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिएगा। ओम समुद्र वसने देवी पर्वतिष्ठ दमंडते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वमेहि। पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिएगा हाथ में, दीप नारायण भगवान का पूजन कर देंगे गंधाक्षत लेकर के। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अयाय श्रोता द्वायुष्णान शमुगाग्निर्जायत दीपस्त देवता द्योणमा गर्भ साक्षी दीपे द्योणमा गंधाक्षतुष्पाणम समर्पयामि। पुनः चावल फूल ले लीजिएगा हाथ में, अक्षत पुष्प लेकर के गंधाक्षत लेकर के गरुड़ घंटी शंकर नारायण भगवान का ध्यान करिएगा। ओम आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम घंटानादम प्रगुर्वीतो पश्चात घंटाम प्रभुजय पांच न्याय विद्महे पावनानाय धीमहि तन्नो संगा प्रचोदयात् घंटस्थ करुणाय नमः संकस्तोष्णवे नमः ध्यानार्थे पूर्णार्थे प्रार्थनार्थे गंधाक्षतुष्पाणम समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा हाथ में, गणेश जी महाराज माता गौरी जी का ध्यान आवाहन करेंगे। आपके समक्ष दो गोल सुपारी रखी हुई है, पर मैं गणेश जी महाराज माता गौरी जी का ध्यान आवाहन करें। हरि ओम माय ओंगलानां द्वा गणदगुं हराम हे प्रियानां द्वा गणदगुं हराम हे निधीनां द्वा निधदगुं हराम हे रसोम अम्जानि गर्भधमा तमजापि गर्भधमा अम्बे अम्बिके बालिके नमानक जगच्छना सत्सत सुखा सुखदकाम काम पीलवासिनी श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे गंधाक्षतुष्पाणम समर्पयामि। दोनों हाथ दिखा करके भगवान गणेश जी महाराज माता गौरी जी की प्रतिष्ठा करें। ओम मनोजोद्रजोगतामाजस्य बृहस्पतिजन्यमन्तनो दर्शनजगो सर्वमन्दधातो विश्वेदेवासय मादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठिता वरदो भव। चार चार बार गणेश जी महाराज माता गौरी जी को शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम पाद्योर पाद्यम समर्पयामि हस्त्योर हर्गम समर्पयामि मुखे अर्पणीयम समर्पयामि सर्वांगे स्वेष्णानीयम जलम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराइएगा गणेश जी महाराज माता गौरी जी को। ओम पंच नद्यः सरस्वती अभिहन्ति स्रोतः सरस्वती तु पंचधातो देवेभ्यो उत्सरिता शांतिकाभ्याम नमः। अमृत पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानम तेन पुनः शुद्धोदजल स्नानम समर्पयामि नमः। वस्त्रोपभस्तम गणेश जी महाराज माता गौरी जी को आपके पास में मौली नाला तालाब रखा हुआ है, बनाइएगा वस्त्र। ओम योगा सुभाषा परवीत यागा सौ श्री हनुमानाय मानहारम नीला सह कमयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांतेन आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक बार जल छोड़ दीजिएगा, चलाचमनी करने के बाद में गणेश जी महाराज को यज्ञो पवित्र धारण कराइएगा। ओम यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्काराय चमग्रम प्रतिमं शुभ्रम यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेजः उपरांतरगतेन पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। पुनः एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा, इसके बाद में गणेश जी महाराज माता गौरी जी को चंदन लगाएं, कुमकुम लगाइएगा। ओम द्वांगंधर्वाय कणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिहि त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान् चमादमुच्यत कुमकुमं कामनादिभ्यं कामणीतां सम्भुगो कुमकुमेनार्चितो देवी गहाण परमेश्वरी अलंकरणार्थे अक्षतानं अक्षत चढ़ाइएगा गणेश जी महाराज माता गौरी जी के यहाँ। अक्षताय सर्वश्रेष्ठ कुमकुमांता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता गहाण परमेश्वर पुष्प अर्पित करें गणेश जी महाराज माता गौरी जी के लिए। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि महालत्यादीनि वैभ्रो यातानि पुष्पाणि भोजा संप्रगृह्यताम् श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पं समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् दुर्वाङ्कुरान् गणेश जी महाराज अर्पित करें। ओम काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति पर्वः पर्वस्वरी एवानो दुर्विभ्रतनु गहत्रेण हतेन च उपरान्तर्गतेन बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बिल्वपत्र चढ़ाइएगा। ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो मरमणे च मरोदने च महासुता सुसेना च मौर्य च अरण्याय च नाना परिमल द्रव्य
भव्यम अबीर गुलाल चढ़ाइएगा गणेश जी महाराज माता गौरी जी के यहाँ पर। ओम हिर भो वही ही प्रजे दिवा हम जाया हे दम परिवार मान हाथ पकना उजवा वैरांड दमान कुमान कुमा भूषण परिवार पुष्पता नाना परिमल द्रव्यां देना सुगंध द्रव्यम इत्र चढ़ाइएगा। ओम द्रव्यकम यजामहे सुगंध पुष्पवदनम अरवारुगम द्रव्यम समर्पयामि नमः। धूप दीप का आदर्श बताइएगा गणेश जी महाराज माता गौरी जी के यहाँ पर। ओम ब्राह्मणो समुगमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊर्वशस्य द्वेष्यः प्रज्ञामुद्र अजायत। धूपे आग्राप्यामि नमः प्रत्यक्षकम दीपकम दर्श्यामि हस्तौ प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिएगा एक आचमंडल लेकर के गणेश जी महाराज माता गौरी जी को नैवेद्य का भोग लगाइएगा। ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षमं श्रीष्णोद्यो होशम वर्तता पद्याम भोमृदशः श्रोत्रा तथा लोका नकल्पयन्। श्री गणेशाम जगाभ्याम नमः नैवेद्यम समर्पयामि ग्रास मुद्रा प्रदर्शित करिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। चार बार जला ध्वनि करिएगा। ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पाणि मुद्रा पोषणम प्रक्षालनम प्रक्षालनम महात्मनीयम जलम समर्पयामि करोद्वर्तकम चंदनम। अपने हाथों की दोनों अनामिका उंगली में चंदन लगा करके गणेश जी महाराज माता गौरी जी की अर्पित करें। ओम अकुम सुनाते अकुम सो प्रजदाम बरुगा बरो हो अनते सोम मतो नारायण सो अच्युत। गणेश जी महाराज के लिए ऋतु फल पान अर्पित करिएगा। ऋतु फलम समर्पयामि नमः ताम्बूलम समर्पयामि नमः उपरांतर्गते नामुक्सुद्यर्थे आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइएगा। ओम जदत्तं जत्प्रादानं जत्पूतं जास दक्षिणाः तन्नर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेखनो ददत। श्री गणेशाम जगाप्यां नमः द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि आरारतक्यां। एक चम्मच में जल लेकर के गणेश जी महाराज माता गौरी जी की आरती कर दीजिएगा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः चरेण आरार्धक्यं समर्पयामि उपरान्तर्गतेन हस्तौ प्रक्षालनं। हाथ धो लीजिएगा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं अक्षत पुष्प लीजिएगा। हरि ओम माय ओम जतनेन जतमय जंत देवास्थान धर्माण प्रतमान्या सन्नाति धनाकम महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे पाद्याः वन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणयम्बिकायै च विद्महे क्रमसिद्धे धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पाणि यथागणो द्वार च पुष्पाञ्जलिर्मय दत्तौ गणानां परमेश्वर। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा करिएगा। अपने ऊपर से दोनों हाथों को घुमाइएगा। ओम यानि गाणि जपाणि जपान्तर्विकाञ्च तानि सर्वाण्यस्तु प्रदक्षिणायां विशेष अर्घ्यम्। अपने पास में कोई पात्र हो या चम्मच हो तो उसमें गंधाक्षत लेकर के अक्षत पुष्प जल दुर्वा लेकर के गणेश जी महाराज के लिए विशेष अर्घ प्रदान करें। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षको वक्ता नाम भयंकर्ता त्राता भगवान धीमा दृपा सिंधो वरदस्तंबरम देहि वाचिकम वाचितार्थद। ओम अनेन कृतेन सफल अर्घेण फल दोस्तो वर दोस्तो सदा मम। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेष अर्घम समर्पयामि नमस्कारान् प्रार्थयेत। अक्षत पुष्प लेकर के गणेश जी महाराज माता गौरी जी से क्षमा प्रार्थना करिएगा। हमने आपका पूजन किया, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो कमी आई हो तो उन्हें क्षमा करिएगा। हमारे घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुनयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवे शक्तिरनंद वीर्या विश्वस्य बीजं परमासीमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतो। गणेश पूजने कर्म यज्ञो नमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक नंद कोटि फल प्राप्त्यर्थं नमस्कारान् समर्पयामि। मृगजानन गणपति महाराज की जय। हरि मय।
ना श्री गणेशान गयो पूजना प्रियंता नमो श्री गणेशा पितार परमस्तु थोड़ा हस्ते जलमादाय हर्षे जल प्रती के राशी दे हाथ में ओ मध्य पूर्वोच्चार संकल्प अनुसारेण ग्रहण विशेष निष्ठायाम सुपुण्य थो यजमान छोड़ दीजिएगा पुनः सीधे हाथ में जल रखिएगा ओम अस्सेषु पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव शिरस्तुभ छंदः श्री सदाशिवो देवता ओम कारो बीजम नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम कहिएगा मम शांब सदाशिव पार्थिवेश्वर प्रीत्यर्थे न्यासे पार्थिव लिंग पूजने अभिषेके च विनियोगः छोड़ दीजिएगा न्यास करिएगा ओम वामदेव ऋषय नमः शिरसि ओम अनुष्टुप छंद से नमः मुखे सदा शिव देवता को नमः हृदि आम बीजा नमः गुह्य हस्तौ प्रक्षाल्य ओम ह्रीम शक्ते नमः पादयोः हस्तौ प्रक्षालनम् ओम कीलकाय नमः सर्वांगेषु पुनः हस्ते जलमादाय पुनः जल रख दीजिएगा ओम अस्सि प्राण प्रतिष्ठा मंत्रश्च ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषयः ऋग्यजुः सामानी छन्दांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आम बीजम ह्रीम शक्तिः क्रोम कीलकम पार्थिवेश्वर रुद्रदेव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः छोड़ दीजिए भोलेनाथ के समीप एक बिलपत्र रख लीजिएगा सीधे हाथ में भगवान की शिवलिंग से आपको इस बिलपत्र को स्पर्श करना है मन में भाव रखें कि भगवान भोलेनाथ स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा भूते हमें उनके पूरे शरीर के दर्शन हो रहे हैं इस बिलपत्र से दर्शन करते हुए भगवान के और इस बिलपत्र को शिवलिंग से स्पर्श कराते जाइएगा ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र शिव नमः शिरसि ओम ऋग्यजो साम छंदोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्य देवताभ्यो नमः गुह्ये ओम आम बीजा नमः गुह्ये ओम ह्रीं शक्ते नमः पादयोः ओम क्रों कीलका नमः सर्वांगेषु पूरे शरीर से घुमा करके और उत्तर दिशा में जहाँ से जलाधारी का जल निकलता है वहाँ छोड़ दीजिएगा सीधे हाथ में अक्षत लीजिएगा भगवान के ऊपर दो दो अक्षर चढ़ाते जाएंगे कभी भी ध्यान से करो सोहम शिवस्य जीव हस्तितः ओम आम ह्रीं क्रों यम रं लं बं सं सं हंसः सोहम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि भ्रांतस्तच्चक्षु श्रोत्राणयः प्राण पाद पायुपस्थानि यहाँ गत्तो सर्वं क्षणं तिष्ठन्तु स्वाहा सब छोड़ दीजिएगा तीन पुष्प लीजिएगा बाएं हाथ में रखें एक एक पुष्प जब हम आभायामी बोले जब चढ़ाते जाइएगा ओम भूपुरुषम सांबसदासेव आभायामि ओम भुवापुरुषम सांबसदासेव आभायामि ओम स्वाहापुरुषम सांबसदासेव आभायामि पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा नंदीश्वर महाराज का ध्यान आवाहन करेंगे ओम आयंगो हो प्रसिद्ध कवि दश धन्मातरम पुरः पितरं च प्रियं स्वः नंदीश्वराय नमः ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे गंधाक्ष पुष्पाणं समर्पयामि पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा हाथ में स्वामी कार्तिकेय महाराज का ध्यान आवाहन करें ओम जलक्रंदः प्रथमं जायमानुजन समुद्रादुत्वा पुरी थातो सेनसवक्षा हरिणसवाहु उपस्तुत्यं महिजातन्तेर्वण्णा स्वामी कार्तिकेयाय नमः ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे गंधाक्षरोष्पाणं समर्पयामि पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा हाथ में वीरभद्र भगवान का ध्यान आवाहन करेंगे ओम बद्रं कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष प्रजयद्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवारं स्वस्तनं प्रपद्ये महि देवहितं जदायुः वीरभद्राय नमः ध्यानार्थे आवाहनार्थे पूजनार्थे प्रार्थनार्थे गन्धाक्षतुष्पाणं समर्पयामि पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिएगा हाथ में
कुबेर भगवान का ध्यान आवाहन करिएगा। ओम वयको सोम प्रत्ये तव मन तनो गोवृतः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम कुबेरायण नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे यात्नार्थे पूजनार्थे गंधाक्ष पुष्पाणं समर्पयामि। पुनाक्षत पुष्प ले लीजिएगा हाथ में, कीर्ति में भगवान का ध्यान आवाहन करेंगे। ओम ओजस चमे सह चमे आत्मा चमे तनोस चमे सर्व चमे परम चमेंगाणि चमे स्थिर चमे परो पुंग चमे शरीराणि चमे आयुष चमे जरा चमे जनेन कलवंताम कीर्ति मुखाय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे गंधाक्ष पुष्पाणं समर्पयामि। पुनाक्षत पुष्प लीजिएगा हाथ में, नागराज भगवान का ध्यान आवाहन करेंगे। ओम नमो सुदर्पेभ्यो जय केच पृथ्वी मनुजे अंतरिक्ष जय दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नागराजाय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे गंधाक्ष पुष्पाणं समर्पयामि। पुनाक्षत पुष्प ले लीजिएगा हाथ में, असंख्यात रुद्र गणों का ध्यान का आवाहन करिएगा। ओम असंख्याता सहस्राणि जय रुद्रादि भूम्यामादि खागं सहस्रयोजने भगन्माणि तन्मसि। असंख्यात रुद्रबलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे गंधाक्षर पुष्पाणं समर्पयामि। उपरांतरगते नो, हाथ जोड़ लीजिएगा सभी लोग। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, उनके गढ़ों से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ भगवान, सभी गढ़ इस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग में आकर के विराजमान हो जाइएगा। स्वामिन सर्व जगन्नाथ यावत् पूजा वसानकम तावत् त्वं प्रीति भावेण लिंगेस्मिन् सन्निधिं करो। प्रतिष्ठा कर दीजिए अपने दोनों हाथ, परात से स्पर्श कर ले, मैं भगवान भोलेनाथ से स्पर्श करें। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा शरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय मामहेति जगत्सर। सुप्रतिष्ठिता वरदो भव स्वागतो वरदो भव समलेश्वर बुलियोमापति महादेव की जय। उपरांतेन शुद्धो जल स्नानम, भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराएं चार बार। ओम पाद्योर पाद्यं समर्पयामि हस्तोर अर्घं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि। दूध से स्नान कराइएगा भगवान भोलेनाथ को। ओम पयः प्रतिभ्यां पय औषधि गुपयो दिव्यंतरिक्षे पयो दाह पयस्वदी गुरुदिशः सन्धोऽयं नमः। शाम सदा शिवाय नमः पार्थ्वेश्वराय नमो नमः। पयः स्नानं समर्पयामि उपरान्तेन पुनः शुद्धोदक जल स्नानम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम इमं मे वरुण स्तुति हवमद्याचमणया त्वामवश्युराचके दधि स्नानं। दधि से स्नान कराइएगा भगवान भोलेनाथ को। ओम दधिग्रावणोऽकारगंज समर्पयामि पुनः शुद्धोदक जल स्नानम् समर्पयामि नमः। ओम उपास्मै गायता नरः पोमानायन्दवे विदेवान् यक्षते सांब सदा शिवाय नमः। दुर्दक जल स्नानम् समर्पयामि नमो नमः। उपरांतरगतेन कृतस्नान से स्नान कराइएगा। ओम घृतम मिमिक्षे घृतम अस्यो निवृत्ते स्थितो घृतम पश्य धाम अर्भदमापह मानेषु स्वाहा घृतम मृगवचेभ्यम्। शाम सदा शिवाय नमः पार्थ्वेश्वराय नमः। घृतस्नानम् समर्पयामि पुनः शुद्धोदक जल स्नानम् आचमनीयम् जलम् समर्पयामि नमः। ओम इमं मे वरुण स्तुति हवमद्याचमणया त्वामवश्युराचके उपरांतरगतेन मधुस्नानम् शहद से स्नान कराइएगा भगवान भोलेनाथ को। ओम मधुपातारितायते मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्वीर्णः सन्दोपधीः मधुरकमतोकसो मधुमत्वार्थिव कुङ्गुरयः मधुद्योरस्तुनः पिता मधुमाण्डो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्धुरः। शाम्ब सदा शिवाय नमः। मधुस्नानम् समर्पयामि पुनः शुद्धोदक जल स्नानम् समर्पयामि नमः। ओम सुतवालः सर्वसुतवालो मणिवालस्य आसिनः सेतः सेता चोरतेरुदाय सुबलये कर्णाय घामामृतानाद्यान भूरूपाः पार्जन्याः। उपरान्तर्गतेन शर्करा स्नानम् शक्कर से स्नान कराइए भगवान भोलेनाथ को। ओम अपागुणसस्यौनस्तम्भो ग्रहाणमुत्तमोपयाम गृहीतो सीन्द्रायत्वाष्टं ग्रहणं मेकते यो निरन्द्रायत्वाष्टतमम्। शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। शर्करा स्नानम् समर्पयामि उपरान्तेन पुनः शुद्धोदक जल स्नानम् समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराएं भगवान भोलेनाथ को। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधातो देवे भवत्परिता। उपरान्तर्गतेन पुनः
स्नान करा दीजिएगा। ओम शुद्धवालहा सर्वशुद्धवालो मणिवालत्यास्विनाहवेदा हवेदा चोरनस्तेत्राय पशुपते कर्णाजामालिप्ता रोद्रानहो रूपा पार्जन्याः ब्रह्मतेनो गन्धोदक स्नानम्। एक चम्मच में थोड़ा जल लेकर के थोड़ा सा अष्टगन चंदन लेकर के भगवान भोलेनाथ को स्नान करा दीजिएगा। ओम गंधर्व स्वाभ स्वाभ सोहो परिदधातु स्वस्यारिष्टे यजमानस्य परिधीरस्य रग्निरेड ईडितः शाम्बसदाशिवायमा पार्थ्वीश्वरायणवः गंधोदकस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धजल से स्नान करा दीजिएगा। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मिलाल्यास्वरः सेतः सेता चोरणस्तेन्द्राय पशुपतये इत्र के जल से भगवान को स्नान कराइएगा। ओम त्रंबकम यजामहे सुगंधेन पुष्टिवर्धनम मालवरोहरुकमेवंधनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सांब सदाशिवाय नमः सुगंधद्रव्य स्नानम समर्पयामि पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दीजिएगा। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालत्यास्विनः वेदः चंदन लगा करके अक्षत लेकर के भोलेनाथ भगवान के चरणों में रख कर दीजिएगा। ओम गंधर्व स्वाभ स्वाभ सोहो परिदधातु स्वस्यारिष्टे यजमानस्य परिरस्यार्गिरेड ईडितः सांब सदाशिवाय नमो नमः पार्थ्वीश्वराय नमः गंधाक्षरोष्पाणं समर्पयामि धूप दीप का दर्श बता दीजिएगा। धूप याग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि हाथ धो लीजिएगा। हस्तौ प्रक्षालनम नैवेद्यम निवेदयामि भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य लगा दीजिएगा। ओम नाभ्यायासीलंदर्क्षो श्रीष्णोद्योः समवर्धतोऽवज्ञां भोमर्षः स्तोत्रात्था लोकान् कल्पयन्नः सूत्रा दिखाइएगा। प्राणाय स्वाहम अपानाय स्वाहम प्याणाय स्वाहम उदानाय स्वाहम समानाय स्वाहा जलाचमणि कर दीजिएगा। ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पाणि मुद्रा पोषणम प्रक्षालम प्रक्षालम आचमणीयम जलम समर्पयामि नमः करोद्वर्तकम चंदनम समर्पयामि अपने दोनों हाथों के नाम का उंगली में चंदन लगा करके चढ़ा दीजिएगा। ऋतुफलम तांबूलम समर्पयामि द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। ओम जगत्कंजत प्रादानं यत्कूटंजास दक्षिणा हाथ नर्वैश्वकर्मणः स्वर्दी वेखुनो ददत द्रव दक्षिणायां समर्पयामि नमः नमस्कारान् प्रार्थयेत। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा। ओम कर चरण कृतम वा कायज कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मान संवा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो सांब सदाशिवाय नमः पार्थ्वीश्वराय नमः प्रार्थना पूर्वक नंद बोधि फल प्राप्ति अर्थम नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलमादाय एकाचमणि जल ले लीजिएगा। अनेन व्रतेन पार्थ्वीश्वर रुद्र देवता पूजन प्रियंता नमो सांब सदाशिवाय परमस्तु न्यासं प्रयात। मनोज्योतिर्जगता महाजस्य बृहत्तर्यनिमण्डनो तर्कञ्जगमो समिमन्त धातो करेंगे। माताएं सभी हाथ जोड़े हृदय से स्मरण करिएगा। ओम हृदयाय नमः। ओम अवतरणे हे समिधा जना नाम प्रदेन मुवायति मुखा सम्माहि हुवाय प्रणया मुजिगाणाः प्रवाणवः सत्येना गमचोम सरसे स्वाहा। ओम मूर्धानन्दवो अर्धं प्रदप्यापै स्वानर मृतया जातम ब्रह्मा कवकों सम्राट पद धन्यना नाम सन्ना पात्रञ्जनयन्त देवा हंसकाय वकट। ओम मर्माणिते प्रमणाख्याद्या विश्वम स्वाराजा प्रदेना अनुवस्ताम्मा वरोर लास्ट ईयर तो प्रमोशन हुआ था हर बारी थोड़ी करियर T20 नहीं है संजू इट्स टेस्ट क्रिकेट सो व्हाट डू यू वांट टू प्ले हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिएगा। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतकर्णभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वदसमर्गवराभिहस्तं प्रसन्नं परमा
आसीनम समन्तात् स्तुतममरगणे व्याघ्रगत्यं वसाणां वसवाद्यं विश्ववन्द्यं निखलभयहरं पञ्चभद्रं त्रिनेत्रं भूमापति महादेव की। आपके पास में जो अभिषेक पात्र है उसमें चंदन लगा दीजिएगा, अक्षत लगा दीजिएगा, एक पुष्प में लगा करके अभिषेक पात्र का पूजन कर दीजिएगा। ओम अभिषेक पात्राय नमः। गंधाक्षर पुष्पाणं समर्पयामि। तांबे के लोटे में दूध का प्रयोग ना करें। आपके पास में चांदी का पात्र हो या पीतल का पात्र हो या स्टील का पात्र हो, उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा। मन में सभी लोग भगवान भोलेनाथ का स्मरण करिएगा। अभिषेक प्रारंभ करेंगे, जलधार भगवान भोलेनाथ के ऊपर लगाइएगा। हरि ओम माय ओम भुवां स्वाहा नमस्ते रुद्रमण्य भवतोदय खवे नमः बाहुया मदते नमः जाते रुद्रशवा तनोर घोरा तयानस्तन्वा संतवयागिरि संता विचागति हीजामे कुंगिरि संत हस्ते भ्युर्गंतवे सीमांजलिताम गुणमाह कुंसी ही ब्रुखंजगत समेन वर्षात बाघिरि साक्षा बदामसी जतान सर्वमि जगद यक्ष्मको शुभना असत अद्यवो चत देवक्ता प्रथमा देव्यो विकको अहीश सर्वाण्यं मयं सर्वा च जातु धान्यो दराजी ही पुरासो असौ दस्ताम्रो अरुण उत्तम प्रो सुमंगल जे चैन कुमरुद्रा अभितो दुसृता सहस्र सोदय ठाकुंग हेडही महे असौ जो बसपत नील दीपो विलोहिता उतैन गोप अदृशन्न दृशन्न धार्य सदस्वर्ण या दिन नमो नील ग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुखे अथो जे सर्वाणो हंते प्रो कर्ण महाप्रमंच धनमन तोयोरात्मो जाम्बा चाचते हृदय महाप्राता भगवो भगोप चंद्र हो कबल नो वसल्यो बाल भान भतो वने सन्न सजाई कवया मुर सर कंगदी ही जाते हे तर में नुष्टम हस्ते प्रभुमते तनो तया स्मान दुष्वत स्तो मैक्ष्मया पै भुजो परिते धन्मनो हे तीरस्मान भड़क तो पुष्वतः अतो जाई का दुष्टवारे स्मन्न दे हितम्मा अवदत्त जनश्वकों सहस्राक्ष सते कोदे निशीर सल्याना मुखा शिवो नहा सुवना भवो नमस्ते आयुधाया नाजताय दशवे भाप्याम दुते नमो बाहुयाम तव धन्वने मानो महंत मतमानो रुगमानो चंद मतमानो चितमानो वदीप धर्मो दमात्रम महाप्रिया तन्वो रुद्रिया मानस्तो के तरहे माने आयुक्मानो गोकुमानो स्वेकुरेर कहा मानो भीरानो द्रभामिनो बदी रघुवंदा सदवेता हवावहे हरि ओम बाय ओम सतिन इंद्रो विदश्रवा हा सतिन हा भूखा उस्वभेदा हा सतिन कार्य चो अभिनमिहि सतिनो बृहत्पदो रूपया हा प्रतिभ्याम पय ओकदीप उपयो दिव्यंतरक्षे पयोदा हा बृहस्पति प्रदिशा संतु वयम महाशोर राडमसि विष्णो होटत्रेस्तो अभिष्टो हो शिवरसि विष्णो ध्रुवो शिव वैष्णवमसि विष्णुवेत्वा अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मृतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पत देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेना दिवे भुवः स्वां भुवो भुवाय नमः वाम देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रवत्नाय नमः सर्वभूतमनाय नमो मनोनमनाय नमः घोरेभ्यो नघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयादीशानां सर्वविद्याणाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मलोकाधिपतिः ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवोऽङ्गां शिवो नमस्ते अस्तु मा महर्षिः देवतायाम्यायुगे नाद्याय प्रजननापीतं परमपवित्रं प्रजापतेरत्रयं वरुद्धाय समग्रं प्रतिमं स्वप्नं लेखोपरीतं परमस्तु तेजः। एक आचमणि जल छोड़ दीजिएगा। जलाजमणियम समर्पयामि नमः। भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाइएगा। ओम त्वां गंधर्वा अगणस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पतिः अक्षतम्। चावल के 108 दाने। ओम अक्षन्न भीम दंध्यव प्रिया अधोगत स्तोग सुभा नमो विप्राण विष्टया मती जोजान विंद्रते हरि। मुद्रा दीजिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा अभ्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा जलाचमणि कर दीजिएगा। ब्रह्मणे नमः मध्य पाणि मुद्रा को समस्त उच्चारण उच्चारण समाज प्रेम जलम समर्पयामि। दोनों हाथों के नाम को उंगली में चंदन लगा करके चढ़ा दीजिएगा। करोत वर्तकम चंद्रम समर्पयामि। फल चढ़ा दीजिएगा। ऋतु फलम समर्पयामि। लौंग इलायची चढ़ा दीजिएगा। तांबूलम समर्पयामि। नारिकेल फल सहित द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। ओम जदत्तं जत्प्रादानं जत्पूर्वं जा दक्षिणा
तदग्रद्वेष करुणः सुरदे वेखनो ददतो सांब सदाशिवान मातृ लक्षणायाम समर्पयामि नमस्कारान प्रार्थयेत। अक्षत पुष्प ले लीजिएगा हाथ में, भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करिएगा। हे भोलेनाथ भगवान, आज हमने आपका इस पावन श्रावण मास की शिवरात्रि में पूजन भजन अर्चन किया, अभिषेक किया, इसमें किसी प्रकार चर्चे की